नमस्कार आप सभी को मैं गुमसन लागू आप सभी को अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं आज हम आए हैं मेओ में जो कि आज हम यहां पे जो हाल ही में एक पार्क आउट जो पार्क यहां पे खोला गया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मे के इनिशिएटिव में यहां पे एक पार्क आउट पार्क खोला गया है उस चीज़ को हम देखने आए और साथ ही साथ में हाल ही में जो इंडो नेपाल जो पर्कआउट जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश से खास करके मेओ से जो खिलाड़ी जो प्लेयर्स वहाँ खेलने गए थे वो एक गोल्ड दो गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल के साथ विजेता होकर लौटते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार का टूर्नामेंट रहा और किस प्रकार का खेल रहा और साथ ही साथ में आ, कितने उन्होंने कितने आ, प्रैक्टिस किए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और इस गोल और सिल्वर जो मेडल है उसको पाने के लिए और साथ ही साथ में हम हमारे मियाऊ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं सनी सिंह जी उनसे भी हम बातचीत करेंगे तो अभी हमारे साथ है आ, जो हाल ही में आ, इंडो चंडो नेपाल जो वर्कआउट जो खेल के आए हैं उनके विजेता है तो सबसे पहले जो गोल गोल जीत के आए हैं उनसे हम बात करेंगे सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए मैंने हाजों ओके आपका आपका नाम हिमांशु मिली हिमांशु मिली अच्छा ये हिमांशु मिली और ये सुरज साजोंग जो दोनों हैं दोनों ने अंडर 15 और अंडर 16 कैटेगरी में दोनों ने गोल लेके आया है इंडिया के लिए और ख़ास करके हमारे मियो के ही आ, निवासी है अरुणाचल प्रदेश के निवासी है तो आ, सबसे पहले आपको पूछना चाहूँगा आपने जब वहाँ में खेलने के लिए गया है तो आपको कैसा अनुमान रहा मतलब मतलब वहाँ खेल के कैसा लगा वो थोड़ा बता दीजिए मतलब थोड़ा मत थो, मत मतलब वो हो गया था दर दर तबका हो गया था तो, तो भी हम 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 लोग सोचे कि अभी मतलब ऐसे शर्म करने से और ऐसे होने से तो नहीं हुआ ओके। तो मेरा मन को थोड़ा शांति किए फ्रफरी किए उसके बाद शर्म जाके गए जब मारे तब 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 हमको थोड़ा हिम्मत मिले अच्छा तो आप वहाँ पे आपके साथ खेलने वाला कितना लोग था मतलब आपका में जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो कितने लोग थे हम लोग का तो मतलब यहाँ का तो चार जन था ओके ठीक है तो मिली से भी हम बात करेंगे मिली आप अंडर फिफ्टीन कैटेगरी में आपने हमारे देश के लिए गोल लेके आए हैं काफ़ी काबिल तारीफ है तो आप कब से पार्क आउट प्रैक्टिस कर रहे हो बता दीजिए अभी ऑलमोस्ट थ्री इयर्स होने वाले है उसका टू इयर्स होने वाला है आप कितने क्लास में पढ़ते हैं और आपको ये जो खेलने के लिए मतलब कहाँ से मतलब मोटिवेशन मिल के आपने ये इस इस फील्ड में आने के लिए सोचा करेंटली मैं क्लास ट्वेल्व में हूँ और पार्कोर तो मैंने बस यूट्यूब से एक दो वीडियो देखा फिर उससे इंस्पायर हो गया और मैं और मन में मैं भी करना चाहता हूँ उसको अच्छा अच्छा तो हम इनसे बात करेंगे आपके नाम पहले सैनिका जुग सैनिका जुग तो ठीक है आप मुझे ये बताइए कि आप आप कितना साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वन ईयर वन ईयर ओके और आप Main three year. हम दोनों हाँ, सेम ना क्या नाम है आपका राजीव छेत्री राजीव छेत्री अच्छा तो हम इनसे भी बात करेंगे ये जो लेके आए हैं सिल्वर मेडल लेके आए हैं ये भी इंटरनेशनल सिल्वर मेडल लेके आए हैं जो कि एशियन गेम यहाँ पे लिखा गया आप देख सकते हैं साउथ एशियन गेम 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन थर्टी टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जो हुआ था तो इसलिए आज हम उनसे मिलने आए हैं तो आपसे हम जानने के लिए प्रयास करेंगे आप डेली कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं डेली हम लोग शिक, सिक्स आवर्स प्रैक्टिस हैं तो अभी हाल ही में ये जो आपका पार्क वो यहाँ पे पार्क बनाया गया है पहले आप कि, किस प्रकार से प्रैक्टिस करते थे कहाँ प्रैक्टिस करते थे हम लोग पहले नदी में प्रैक्टिस करते बालू में बस्ता में बालू भरा के तो वही प्रैक्टिस कर लेते थे तो आप लोग जब यहाँ से इंडिया से आप लोग जब नेपाल जा रहे थे तो आप लोग का उसका एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हेल्प मिला गया है वो सब भी थोड़ा बता दीजिए हम लोग को ए सर से थोड़ा हेल्प मिला गया उसका हम लोग का प्रिंसिपल सर से और हम लोग का कोच रोशन भद्य से थोड़ा मिला गया हम लोग को हेल्प ओके okay. तो मैं कहना चाहूँगा ये जो हमारे पीछे जो चार ही लोग गए थे इस बार खेल के लिए जो कि साउथ ईस्ट एशियन पर्कआउट गेम है तो चारों ने ही मेडल लेके आया है दो गोल्ड मेडल लेके आया है और दो सिल्वर मेडल लेके आया है और काबिल तारीफ है और हमारे साथ है हमारे उनके कोच जो रोशन उपाध्याय है उनको भी हम बड़े दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा क्योंकि आ, उन्होंने उनका ही आ, निगरानी में ये सब जो मेडल है हमारे देश के लिए लाया गया है थे मियओ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तो हम सीधे सर से जानने के लिए प्रयास करेंगे सर यहाँ पे हाल ही में आपके इनिशिएटिव में यहाँ पे पार्कर जो पार्क बनाया गया है और साथ ही साथ में आ, जैसे कि हमने बात किया था ये प्लेयर्स से भी तो उन्होंने भी ये कहा गया है कि काफ़ी आपका तरफ से मदद रहा ये जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो लाने के लिए आपका तरफ से भी काफ़ी मदद रहा बोल के तो सर इसके ऊपर में आप मुझे थोड़ा ब्रीफ में पहले बता दीजिए एक्चुअली ये जो पार्कर स्पोर्ट है ये हम लोग के लिए भी एक नया स्पोर्ट है पूरे म्याओ के लिए एक नया स्पोर्ट है और मैं समझता हूँ कि पूरे अरुणाचल में इस तरीके का स्पोर्ट का कल्चर हमारा म्याओ में ही है जी। तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि ये लोग के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर सकें तो उसके लिए ये एक खाली जगह पड़ा हुआ था जो जर्जर कंडीशन में था हमने इसको ठीक कराया ठीक करा के यहाँ लाइट वाइट लगा के अच्छा सा एक सेटअप इनको बहुत अच्छा तो नहीं है बट एक मेडियोकर सेटअप इनको मिला तो एक प्लेटफॉर्म मिला और ये जितना भी कुछ हुआ ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हुआ है सब कुछ कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया ये सारा कुछ बनाने में उसके बाद से फिर एक अच्छा न्यूज़ आया कि इन लोग को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कंटेस्ट करने का मौका मिल रहा है तो उसमें भी फिर कॉम्यूनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और सारा हमारा मियाँ का पब्लिक मिल इनको हम लोगों ने वहाँ भेजा वहाँ जाके इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और विथ देयर टैलेंट देयर हार्डवर्क और विद गॉड्स ग्रेस दिन इन लोगों ने म्याओ के प्राइड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया पहली बार हुआ है कि दो गोल्ड दो सिल्वर किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में कंटेस्ट करके हमारे बच्चे लेके आए तो हम इन लोगों को अपने तरफ़ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से किसी भी स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि हम लोग अपना हायर से ये जो ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड उसमें भी हम लोग फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं मियाँ में एक फुट फुटसाल स्टेडियम शुरू किया है तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को लेके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सीरियस है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं अगले लेवल तक लेके जा रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जो ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं वो एक स्पोर्ट्स को माध्यम बना के अपने पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज कर पाएँ सर सर मैं एक क्वेश्चन फिर रखना चाहूँगा जैसे कि सर आपने कहा कि म्यू में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और साथ ही साथ में सर देखा गया है कि हमारे जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं यहाँ के जो प्लेयर हैं उनके देखा जाए तो सर आ, घरेलू जो मामला देखा जाए तो सर काफ़ी पोर्ड है खास करके तो सर उन लोग को किस प्रकार से मतलब अपना जो किट्स है प्लेइंग किट्स है वो किस प्रकार से मतलब उन लोग मिल सके सर एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं या उनके जो डायरेक्ट जो कंसर्न अथॉरिटी है जो फेडरेशन है वहाँ से वो लोग सामान मिलेगा या सर कुछ ये किस प्रकार से मतलब इनिशटिव इनिविश्ट, आप उठाने वाले हैं सर ये म्याओ में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैंक बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्रिकेट के किट्स हो गए फुटबॉल के किट्स हो गए और भी बैडमिंटन के बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो गरीब घर से हैं जिन लोगों को किट खरीदने में सहूलियत नहीं मिलती है वो इस बैंक से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो इस तरीके से एक इनिशिएटिव हम लोग शुरू करने वाले हैं अगले हमने हमने सोचा है कि 26 जनवरी को इस चीज़ को हम लोग किक स्टार्ट करेंगे म्याओ में तो मैं सोचता हूं क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत है बट रिसोर्स के कमी की वजह से वो लोग अपना चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं परस्यू नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कोई भी बच्चा म्याओ का नहीं रहेगा जो रिसोर्स के कमी के वजह से अपना टैलेंट पर ना कर पाए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पोर्ट्स बैंक स्टार्ट करने वाले हैं फ्री स्पोर्ट्स पैक सर, सर मैं इसी बीच एक क्वेश्चन और रखना चाहूँगा सर जैसे कि आपने कहा कि मियाओ मियाओ के जो हमारे प्लेयर्स से बच्चे हैं उनको तो सर एक प्लेटफॉर्म मिला जा रहा है तो सर जैसे कि हमारे जो कैचमैन एरिया है जैसे कि बोडुमसा है या फिर दायून है जरमपुर है तो सर उनके जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के जो छात्र है वहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको सर कुछ मोटिवेशनल वोर्ड या कुछ एंक्रेजिंग बोर्ड या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे मीडियम से देखिए हमारा जो मियाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम बना रहे हैं यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं विद कम्युनिटी सपोर्ट पब्लिक के सपोर्ट से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के गाइडेंस और सपोर्ट से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं बीट पार्कर पार्क हो गया या हमारा फुटबॉल जो स्टेडियम है उसमें फ्लड लाइटिंग हो गया फुटसाल हो गया या हम लोग एक और नया स्केट पार्क बनाने जा रहे हैं मियाओं में क्योंकि यही बच्चे स्केटिंग भी करते हैं एडवेंचर साइकिलिंग भी करते हैं तो जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मियाओ का बच्चा ही यूज़ कर सकता है बोडुमसा पास में है बोडुमसा के बच्चे भी आके इसको इक्वली यूज़ कर सकते हैं जयरामपुर के भी बच्चे आ सकते हैं और दूसरा चीज़ है कि हम लोग धीरे धीरे कॉम्पिटिशनस का कल्चर हम लोग लेके आएंगे तो छोटे लेवल पे सर्कल लेवल पे सब डिविजन लेवल पे हम लोग हर स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन्स कराएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से हम और भी सब डिविज़न के बच्चों को और भी डिस्ट्रिक्ट के और अलग डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चों को इन्वॉल्व कर पाएंगे इस पूरा हमारा जो एक स्पोर्ट्स का हमने रिवोल्यूशन सोचा है स्टार्ट करने का उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू वेरी अभी मेओ के सीनियर पब्लिक लीडर जट पी एम मेओ है तो सर हम आपसे सीधे जानने के लिए प्रयास करेंगे कोशिश करेंगे जो हाल ही में आपके मियाओ से जो लड़का इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड और सिल्वर जीत के आया है तो इसका ऊपर में आप क्या, क्या आपका क्या कहना है देखिए ये ऐसे तो हमारा मियाओ बहुत ही नाम है इनमें लेकिन गेम्स के नाम पर इतना ऊंचा आज तक मतलब बहुत कमी गया है मिया के टीम से तो इसमें हमारा ये बच्चे लोग जो हमारे बच्चे हैं ये स्टूडेंट ही हैं और ये बहुत ही ये नीचे स्तर पर वो करते हैं तो इनका जो गेम है वो पर, पार्कर ऐसे करते हैं और बहुत से को लोगों को मालूम नहीं है ये गेम तो ये गेम एक जनस्टिक के साथ थोड़ा मिला जुला रहते हैं और जो निंजा टाइप के भी थोड़ा होते हैं और जो हमारे कमांडो ट्रेनिंग करते हैं उनके साथ भी थोड़ा मिलाप होते हैं लेकिन ये उन सब में नहीं जाकर ये एक गेम एक गेम के तरह ले गया मतलब और ये बच्चे लोग नदी किनारे हमारे नदी में जो धींग है नदी वहाँ में करते थे तो हमारा एक लड़के जो आ, उनका कोच जैसे ही बन रहे हैं तो उसने इनको ले आकर और इनको यहाँ में आ, अच्छा से प्रैक्टिस देने की कोशिश किया जो आज हमारा इंटरनेशनल लेवल में इस गेम में दो गोल्ड और एक सिल्वर लेकर आया मैं हम लोग उनके लिए बहुत खुश हैं हम लोग अच्छा तो मैं इसी बीच आपको एक क्वेश्चन और रखना चाहूँगा सर जैसे कि एडीजी सर ने तो काफ़ी इनके लिए काफ़ी कुछ आ, 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 ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना के गया है ये जैसे कि पर्कआउट के लिए भी बना के गया है और ख़ास करके मतलब नॉट ओनली पर्कआउट जैसे कि जितने भी गेम है गेम एंड स्पोर्ट्स है तो आप एज सीनियर पब्लिक लीडर और एक कंसर्न जेड पी एम के होने के नाते आप आ, क्या करेंगे मतलब क्या करने वाले हैं ये हमारे जो यूथ्स है प्लेयर्स लोग के लिए ये मैं एक बार छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा मियो में जो नया एक डी आए हुए हैं सनी के सिंह करकर जो आई ऑफिसर हैं जो बहुत ही जोंग है उम्र में बहुत ही जोंग है तो हमसे भी छोटा होने का चांस है छोटा ही होगा पर उसने आकर इतना सडनली मतलब ऐसा गेम का ये किया हुआ है इसमें मतलब डेवलपमेंट के लिए और जो आप देख रहे हैं जो आज जो गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेकर आए बोले हुए ये पापाग्रह गेम ये एक ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये ग्राउंड आपका एक आ, एपेक्स बैंक का एरिया था जो डेवलप होने कर ऐसे पड़ा हुआ था तो हमारा आई एस ऑफिसर हमारा ए डी सी साहब सनी साहब ने इनको बात कर कर इसको फील बनाया तो आपको जैसे मैंने बोला है कि ये इन बच्चे लोग नदी किनारे खेलते थे तो उनको लेकर यहाँ पर जगह दिया उनको और इसको पूरा डेवलप डेवलप किया और उनको मौका दिया तो इसी प्रकार और भी जगह में हमारे सर ने बहुत कुछ किया है इस ने तो इसको देखकर हमको बहुत इंक्रेजमेंट हम लोगों को मिलता है और ऐसे तो मे भी एक एट्टी सेवन एट्टी सिक्स इतना जमुना में मैं भी सुप्रद्र कप खेला था मैं भी खिलाड़ी हूँ ऐसे तो सुप्रत कप में यह हमारा चारा सारा चांगांग डिस्ट्रिक्ट में एक एक खिलाड़ी हूँ जो ये कप को खेला है हम लोग रनर्स कप भी हम लोग मिले थे तो हम भी स्पोर्ट्स में हम भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ले फिलहाल हमारा सरकार की तरफ से अभी जो गेम जो भी हमारा अभी खेलो को जो आयोजन किया हुआ है गवर्नमेंट उसमें हम लोग कर रहे हैं और जो बच्चे ये इस तरह के आते हैं तो उस बच्चे को हम इक्रेजमेंट देने के मेरे हम लोग पंचायत के तरफ से हमारे सीनियर लीडर के तरफ से और हमारे लोकल जो अभी फिलहाल नहीं है हमारे मिनिस्टर कमलो मस जो है उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ इन लोगों को सुविधा और आगे बढ़ाए ताकि और बच्चे आगे आए स्पोर्ट्स में ध्यान दें और अपनी जो गंदी आदत है और जो डाइवर्ट हो गए हैं बच्चे एक दो बच्चे उनको भी मौका दिया जाए कि उनको भी जीने का उनको भी हेल्थ का केयर रखने का और ये हमारा जो पढ़कर जो गेम के खिलाड़ी हैं उनको मैं बहुत आ, मैं दहले दिल से मिया निवासी को, के तरफ से मैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो एक आ, बच्चे के लिए बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट दिया है लाया है बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ थैंक यू सो मच